आज पढ़ना ये है, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन जब हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कॉइल का सेल्फ इंडक्शन का एक फॉर्मूला बनाया, उसका एक सूत्र बनाया, और उस सूत्र ने हमको समझाया कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन उस कॉइल की कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट था। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन पे भी हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, तो वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम हमने केवल दो ही फॉर्मूले देखे हैं, एक देखा था एन फाई का, एन टू फाई टू इज इक्वल टू एम इन टू आई वन, और वहां से एम निकाला, और एक ये बस देखा हुआ था कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा सेकेंडरी कॉयल से गुजरने वाले फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो कितना विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित हो जाएगा। तो हम विद्युत वाहक बल देख चुके हैं कितना प्रेरित होगा, और M के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी दो दो परिभाषाएं बना चुके हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं बिकॉज कैपिटल M और विच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व जिसको हम बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि ये एक अचर नंबर है, तो ये अचर नंबर है, इसका मतलब ये कॉइल्स के एक जोड़े के लिए ही हो सकता है। सही, अगर आपने दो कॉइल लगाए हैं उसके लिए M की कोई वैल्यू आई है, अगर ये हटा के इसकी जगह पर आप ये कॉइल लगा देंगे, कॉइल्स का जोड़ा बदल गया। देखो, अगर कॉइल्स का जोड़ा बेटा बदल जाएगा तो M का मान बदल जाएगा। M कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉइल्स के दो कॉइल्स के एक सेट के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर आप दो में से कोई भी एक कॉइल बदल देंगे तो M की वैल्यू बदल जाएगी। तो हम यही समझना चाहते हैं कि M जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वैसे L की तरह जो M होता है ना, वो भी कॉइल्स की ज्योमेट्री पर ही डिपेंड करता है, उसके कंस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड करता है, उसकी बनावट पर ही डिपेंड करता है। पर जब तक हम देखेंगे नहीं, हम कैसे मान लें, कैसे मान लें हम, हमारे बोलने से आप तो मान नहीं लोगे। तो हम उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला बनाने से आपको पता लगेगा कि वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो आप समझने चल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले ये बताइए, इसमें बैटरी और स्विच लगाया मैंने, तो करंट जो फ्लो हो रही है वो प्राइमरी कॉइल में हो रही है, प्राथमिक कुंडली में, और इसी में बहने वाली धारा में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जो बन रहा है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, कभी मैक्सिमम होता है कभी जीरो हो जाता है, मैक्सिमम होता है जीरो हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र बना कौन रहा है, प्राइमरी कॉइल बना रही है या सेकेंडरी कॉइल बना रही है, बनाता कौन है ये बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड वही बना सकता है जिसपे करंट होती है, तो करंट किसके पास है, प्राइमरी कॉइल के पास, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कौन बना रहा है, प्राइमरी कॉइल बना रही है। तो प्राथमिक कुंडली के द्वारा बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, अब आप सोचोगे आप तो M निकालना चाह रहे होते हैं, तो B की कहां बात आ गई बीच में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप भी इसको सोचिए, आप क्या निकालने जा रहे हैं, M, M का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने देखा N2 phi 2 अपॉन I1। आप जानते हैं अगर आप दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व तो ज्ञात करना चाहते हैं ना, तो आपको तीन चीजों की आवश्यकता होगी, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या की, पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा की, और दूसरी कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपको चाहिए। तो N2 और I1, दीज आर नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि इनको तो हम मानते ही हैं, मानते ही हैं कि N2 दूसरी कुंडली में फेरों की टोटल नंबर है, I1 प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, और phi 2 दूसरी कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। बट ये phi 2 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना होगा। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, बी इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एन टू और फाई टू की जगह पर क्या लिखेंगे, बी इंटू ए अपॉन आई वन। अब इनके साथ हम सफिक्स लगाना चाहते हैं, बी के साथ वन लगाया जाए कि टू लगाया जाए, ये डिसाइड ऐसे होगा कि बी बना कौन रहा है, प्राइमरी क्वेल और सेकेंडरी क्वेल, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, प्राइमरी कॉइल बना रही है।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है वही का उसी का सफिक्स लगाओ आप, तो वन लगाएं कि टू, वन लगा दिया जाए, वेरी गुड। एरिया किसका लेना है, आप देख रहे हैं फाइ टू क्या है, दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, तो इस चुंबकीय फ्लक्स में एरिया किसका आएगा, पहली कुंडली का या दूसरी कुंडली का, दूसरी कुंडली का एरिया आएगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स दूसरी कॉइल से बद्ध वाला निकाल रहे हैं, तो एक ए में ए वन लिखें कि ए टू लिखें, ए टू लिखना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपको मिल जाए ना, फिर आप एम निकाल सकते हो, एंड दिस इज द रीजन कि हम बी की बात क्यों कर रहे हैं आपसे, चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र क्यों किया हमने, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि एम अगर चाहिए तो बी वन चाहिए ही चाहिए हमको, उसके बगैर हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी वन निकालते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के द्वारा बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली के द्वारा बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1। क्या फॉर्मूला होता है किसी क्वाइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल n इनटू I, म्यू नॉट n I होता है, जहां n क्या चीज है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब यहां पर सफिक्स क्या लगाए जाएं, n के साथ 1, I के साथ भी 1, क्योंकि B जो बन रहा है वो प्राइमरी क्वाइल के द्वारा बन रहा है, तो सबके हमने वन लगा लिए। देखो अब यही चुंबकीय क्षेत्र इस क्वाइल से बनता है और यहां निकलता है, जैसे ही निकलता है सेकेंडरी क्वाइल उसमें उसके अंदर आ जाती है और इससे वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाता है। तो अब दूसरी कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। देखो बी वन निकाल लिया, बी वन अगर निकाल लिया, अब आप बी वन को ए टू से मल्टीप्लाई करिए तो फाइव टू आ जाए, ताकि और जैसे ही फाइ टू आएगा ये सूत्र अप्लाई करेंगे एम निकाल लेंगे हम। तो दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध मतलब लिंक, कितना उससे फ्लक्स जुड़ा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, एंड दैट विल बी डोनोटेड बाय फाइ टू, क्योंकि दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। और ये कैसे निकाला जाए, फाइ का फॉर्मूला बी हो, बी इंटू ए होता है, तो बी तो वन वाला लेना है, ए कौन सा लेना है, दूसरी कॉइल का, ठीक है। फाइ टू इज इक्वल टू बी वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी वन, म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू आई वन, और यहां पर बुआ क्या आ गया, ए टू, ठीक है। वन 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 जो भी है सब प्राइमरी क्वाइल के लिए है, टू जहां पे लगा है सब सेकेंडरी क्वाइल के लिए है, ठीक। अच्छा इसके बाद ठीक है, फाइ टू आ गया। अब अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, M इज इक्वल टू, उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा N2 phi 2 अपॉन I1, M इज इक्वल टू N2, दूसरी कुंडली में फेरों की कुल संख्या। एक काम भी कर सकते हैं, दूसरी कुंडली में फेरों की कुल संख्या को आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको याद आ रहा है कुछ, फेरों की कुल संख्या बराबर एकांक लंबाई में फेरे गुणे लंबाई, यही तो होता है ना। तो अगर दूसरी कुंडली में फेरों की कुल संख्या आपको निकालनी है तो फिर आपको क्या करना रहेगा,
एकांक लंबाई में उसके कितने फेरे हैं वो ले लो n2, और उसी की लंबाई ले लीजिए l2। समझ आ रहा है कुछ आपको? फाइ टू की जगह ये वैल्यू नोट कर देंगे, म्यू नॉट एन वन आई वन इंटू ए टू अपॉन क्या करना रहेगा आपको कि आई वन से ये आई वन कैंसिल कर दीजिए आप। इस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्वाइल्स का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, उसमें ये मैं लिख देता हूं म्यू नॉट एन वन इंटू एन टू, एन वन इंटू एन टू, इसके बाद एल टू इंटू ए वन, एल टू इंटू ए टू। ये म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला बना, ठीक है। दो कुंडलियों के बीच अगर आप अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल रहे हैं तो ये उसका फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा, ठीक। अब आप इस फॉर्मूले पे देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। एन वन इंटू एन टू, एल टू इंटू ए टू। हम अगर इसको भी चाहें तो एन वन को जैसे मैं लिख सकता था स्मॉल एन वन, या आप एन टू इंटू एल टू जो लिखा गया है वो एन टू के लिए लिखा गया है, तो आप इनकी जगह पर कैपिटल एन टू भी ले सकते हो। तो एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी म्यू नॉट एन वन, और इसकी जगह पर कैपिटल एन टू इंटू ए टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए फॉर्मूला, इसमें म्यू नॉट आ रहा है, एन वन एन टू ए टू आ रहा है, और उस कंडीशन पर जब हमने इस वाली क्वाइल में करंट का चेंज किया है और इस वाली क्वाइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया गया है, उस वक्त म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला ये बना है म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू ए टू। यहां पर एन वन है प्राइमरी क्वाइल के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और एन टू है दूसरी कुंडली में टोटल कितने फेरे आ रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व तो है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इसको अगर आपको देखना है तो यहां पर देखें ये तो कांस्टेंट हो गया, डिपेंड करता है एन वन भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी तो नंबर ऑफ टर्न्स ही एक तरीके से है, फेरों की संख्या, बस एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं ये है बस, ये तो ये भी नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब है दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, गुणनफल जितना ज्यादा होगा अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी उतना ज्यादा होगा, और दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का गुणनफल जितना कम होगा उन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी उतना ही कम रहेगा। दूसरा एरिया पर भी डिपेंड करता है, ये क्षेत्रफल पर, किसके क्षेत्रफल पर, जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल। अब एक चीज और मैं आपको यहां पर थोड़ा सा करके दिखाना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला कब बना, जब आपने प्राइमरी क्वाइल में धारा परिवर्तन किया और विद्युत वाहक बल कहां पर उत्पन्न हुआ, सेकेंडरी क्वाइल में। थोड़ा सा इसका उल्टा सोचिए, अगर हम धारा परिवर्तन इसमें करते और विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न करते, उस वक्त यह फॉर्मूला कैसा आता, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक काम कर लो आप, इसे M21 कर लो। क्यों M21? इसलिए M21 क्योंकि यह दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र है और धारा परिवर्तन कहां हो रहा है, प्राइमरी क्वाइल में। तो 21 को देखकर आप समझ जाइएगा कि विद्युत वाहक बल किसमें प्रेरित हो रहा है, सेकेंडरी क्वाइल में, और धारा परिवर्तन हम कहां कर रहे हैं, प्राइमरी क्वाइल में, क्लियर। अब अगर हम ये काम धारा परिवर्तन इसमें करें और
इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करें, तो फॉर्मूला उस समय कैसे बनेगा? उस वक्त हम इसको क्या लिख देते, M12, विद्युत वाहक बल पहली कॉइल में है, धारा परिवर्तन सेकेंडरी कॉइल में हम कर रहे हैं। देखो आप परेशान मत होइए, फॉर्मूला तो ठीक है, यही आ रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है और वो बहुत मजेदार है, आप उसको सीखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें इसके लिए फॉर्मूला आएगा तो क्या आप लिखोगे बताओ, म्यू नॉट यहां पर क्या आ जाएगा, N2 यहां पर क्या आ जाएगा, N1 और यहां पर क्या आ जाएगा, A1। ठीक, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये कब आएगा, जब पहली कुंडली में धारा परिवर्तन है और विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में है। और ये कब आएगा, जब दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन है और पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। देखिए एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये फॉर्मूले आप जब देख रहे हैं दोनों ना, आपको दोनों फॉर्मूले अलग अलग दिख रहे हैं, म्यू नॉट N2 N1 A1, म्यू नॉट N1 N2 A2। पर एक्चुअली जब इनकी वैल्यू निकाली जाती है ना, तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग नहीं आती, वैल्यू सेम आती है। अब ऐसा कैसे हो जाता है, तो इसमें बात सबसे अलग है ये एरिया वाली जो है, इन दोनों में तो नंबर ऑफ टर्न्स ही आ रहे हैं आपके, दोनों में फेरों की संख्या ही आ रही है, दोनों का गुणनफल ही हो रहा है लगातार। बात एरिया की अगर करते हैं तो एरिया एक में A2 आ रहा है, एक में A1। अब दोनों की वैल्यू इक्वल कैसे आती है, क्या दोनों का एरिया इक्वल होता है, या तो फिर वैल्यू कैसे आ जाती है बराबर, अगर एरिया इक्वल नहीं है तो वैल्यू ऐसे बराबर आ जाती है कि अलग अलग फॉर्मूले जो देखे हमने, इनमें एक में A1 आया, एक में A2 आया, बट एक्चुअली जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करा है उसमें एक ही एरिया यूज होता है, दोनों कॉइल्स का एरिया यूज नहीं हो रहा है एक साथ। आप देखो एक में A2 आ रहा है और दूसरे में कौन आ रहा है, A1 आ रहा है, तो एक बार में एक ही एरिया यूज करते हैं हम। आप देख लो ना, एक फॉर्मूला ये निकालोगे तब भी तो एक एरिया यूज कर रहे हो, जब ये निकाल लो तब भी एक एरिया यूज कर रहे हो। रही बात नंबर ऑफ टर्न्स की, वो दोनों के यूज कर रहे हैं आप, एरिया किसी एक कॉइल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एरिया हम यूज किसका करेंगे, प्राइमरी कॉइल का लेंगे या सेकेंडरी कॉइल का लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा और फिर वहां से डिसाइड हो जाएगा कि एरिया किसका लेना है, प्राइमरी कॉइल का या सेकेंडरी कॉइल का लेना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक कॉइल बना ली, मान लिया कि इस कॉइल का जो एरिया है वो एरिया है A1, और इसके साथ जो सेकेंडरी कॉइल, जो दूसरी कॉइल है, उसका एरिया ऐसा बड़ा है थोड़ा सा, उसका एरिया है A2। ठीक है, हमने जो ये कॉइल है इसी में धारा परिवर्तन हम करेंगे, जब हम इस पे धारा परिवर्तन करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, कितने में चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, इतने में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, परिनालिका में, परिनालिका के भीतर ही तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बाहर तो नहीं आता ना, तो इतने में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड निकल के दूसरी कॉइल से बद्ध हो जाएगा। आप सोचोगे क्या ये मुड़ेगा नहीं, क्या सीधे ही चला जाएगा, मुड़ेगा, पर हमने ये मान लिया कि कॉइल्स हमने छोटी छोटी बनाई है और ये मैग्नेटिक फील्ड मुड़े इससे पहले ही दूसरी कॉइल उसके रास्ते पर आ गई है, तो मुड़ नहीं पाया, पहले ही कॉइल दूसरे रास्ते पर आ गई है। अब आप देखो इसके इसका एरिया कितना है, A2, इसका एरिया है A1, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया A1 एरिया में, वो मैग्नेटिक फील्ड जाके इसको टच कर रहा है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जाके इसको टच करता है तो अब आप ही मुझे बता दो, दोनों को गौर से देखिए और ये बताइए इसका कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स टच हो रहा है, इसके कितने क्षेत्रफल से चुंबकीय फ्लक्स टच हो रहा है, A1 एरिया से, इसके कितने एरिया को मैग्नेटिक फ्लक्स टच कर रहा है, क्या पूरे एरिया को टच कर रहा है, पूरे एरिया को नहीं टच कर रहा है, पूरा एरिया इसका कितना है A2, पर पूरे एरिया को मैग्नेटिक फ्लक्स टच नहीं कर रहा है, कितने एरिया को टच कर पा रहा है, केवल केवल इतने एरिया को टच कर पा रहा है।
और बेटा ये एरिया तो इसी के बराबर है, इसका मतलब किस एरिया को टच कर पा रहा है, केवल A1 को टच कर पा रहा है। जितना फ्लक्स इससे बनता है वो सेकेंडरी कॉइल में जब जाता है ना तो पूरे रिंग से लिंक नहीं हो पाता, वो केवल इतने एरिया से ही लिंक हो पाता है। ठीक, अब आप सोचोगे आपने छोटी कॉइल में धारा परिवर्तन किया इसीलिए ऐसा हुआ है, तो अब हम बड़ी में कर देते हैं, बड़ी कॉइल में धारा परिवर्तन करवा लो भाई। इसका एरिया है A1, बड़ी कॉइल है, और इसका एरिया है A2। ठीक है, अब हम इसमें धारा परिवर्तन कर रहे हैं, धारा परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो कॉइल के अंदर पूरे में बनेगा, पूरे में बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड निकल के ऐसे आगे बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए निकल के आगे बढ़ रहा है ऐसे। अब आप देखिए इसने कितने एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, A1 एरिया पे, पूरे एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया। क्या जितना मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल से लिंक हुआ, नहीं हो पाया, ये छूट गया, देखो ये खाली निकल गया ऐसे। इस क्वाइल से इसके द्वारा बनने वाला पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। आप बता सकते हैं आप मुझे कितने एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स केवल लिंक हो पा रहा है, क्या पूरे A1 एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है या केवल A2 एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है? केवल A2 एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स ही दोनों क्वाइल्स के साथ लिंक है, ये वाला तो खाली निकल गया, इसके साथ कोई क्वाइल में ये जा नहीं रहा, गुजर नहीं रहा किसी क्वाइल पे। अब दोनों आपने देख लिए हैं, इसमें आपने बोला कि A1 एरिया से केवल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, इसमें आपने बोला कि A2 एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, और दोनों को आपने अच्छे से समझा, और अब आप भी बता सकते हो, तो फिर मुझे यहाँ A1 लेना चाहिए कि A2 लेना चाहिए? तो आंसर है ना A1 लेना चाहिए ना A2 लेना चाहिए, बल्कि क्या लेना चाहिए, वेरी गुड, क्या लेना चाहिए, दोनों क्वाइल्स में जो क्वाइल छोटी है ना उसका एरिया लेना चाहिए। आप खुद देख लो ना, ये वाली छोटी थी तो आपने हमको बोला कितना एरिया ले लो, A1, इसमें A2 छोटा है तो आपने हमको क्या बोला कि A2 ले लो, इसलिए ना प्राइमरी का एरिया लेना है ना सेकेंडरी का एरिया लेना है, आपको किस क्वाइल का एरिया लेना है, जो क्वाइल छोटी होगी। और अब ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी कि क्यों आखिर ऐसा करना है, क्योंकि बड़ी क्वाइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बन भी जाएगा अगर, तो इसका क्या फायदा है बताओ, क्या ये किसी क्वाइल के साथ लिंक है, ये तो बेकार जा रहा है ना, ये तो हमारी एनर्जी बेकार जा रही है, जब ये कॉइल के साथ लिंक नहीं है तो ये फ्लक्स कोई विद्युत वाहक बल नहीं बना सकता, केवल वो वाला फ्लक्स विद्युत वाहक बल बनाएगा जो कॉइल से लिंक होगा, बाकी तो फ्लक्स खाली चला जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में आ रहे हैं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों में बराबर नंबर ऑफ टर्न्स लगा देंगे, दोनों की लेंथ बराबर कर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। एरिया किसका लेना है आपको, तो एरिया उसका लेना है जो कॉइल छोटी रहेगी, हमेशा याद रखिएगा, समझ आया? तो अभी अब आपको आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूले पे सारी चीजें ठीक हैं, पर एरिया में किसका एरिया आप लिया करोगे, दोनों में से जो कॉइल स्मॉल एरिया वाली कॉइल होगी उसका एरिया आप यूज करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूले भले ही आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब ये एक्चुअली इन फॉर्मूलों के इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं तो वैल्यूज सेम आती है। और वैसे भी आप देखो ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन किसी एक क्वाइल का तो नहीं है ना, दो कुंडलियों का है, जैसे ये एक पारस्परिक क्वांटिटी है, एक म्यूचुअल क्वांटिटी है, जैसे इससे पहले भी आपने इसे कई राशियां पढ़ी हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, उससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। एक आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम, पढ़ा आपने क्लास 11th में, उसमें क्या होता था, दो बॉडीज होती थी, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस, उनके बीच एक फोर्स लगता था, दैट वाज कैपिटल जी m1 इनटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। पहली वाली बॉडी दूसरी पर जितना फोर्स लगाकर खींचती थी, दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगा के खींचती थी,
ये जितना बल इस पर लगाती है उतना ही बल ये इस पर लगाती है, दोनों का फोर्स सेम होता था। क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल क्वांटिटी है। ऐसे ही आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, दो आवेश Q1 और Q2 लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, उस पर भी जो फोर्स आया, जितना फोर्स ये इस पर लगाता है उतना ही फोर्स ये इस पर लगाता है, चाहे आकर्षण करना हो या प्रतिकर्षण करना हो उनको। पर बिकॉज कूलॉम्ब फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, तो दोनों पर इसकी क्वांटिटी सेम ही एप्लीकेबल होती है, अलग अलग नहीं रहती। यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन भी म्यूचुअल क्वांटिटी है, किसी एक कॉइल का नहीं है, ये दोनों कॉइल्स के बीच का राशि है, इसलिए इसकी भी वैल्यू दोनों में कैसी रहती है, सेम रहेगी। दूसरी चीज, आपने एरिया के बारे में समझा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया को कैसा ले लेंगे, हमेशा जिस कॉइल का एरिया कम होगा उसका एरिया लेंगे, और कम कॉइल, कम एरिया वाली कॉइल का ही एरिया क्यों लेना है, यह उसका रीजन है, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम दो कॉइल बनाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, बराबर टर्न ले लिया, ये मान लीजिए आप दोनों की लेंथ बराबर है, ये सब हमने अंडरस्टूड कर लिया कि दोनों में फेरों की संख्या समान है, दोनों में लंबाइयां सेम है, ये हमने पहले से ही मान लिया कि ऐसा है। एरिया वाली जब बात आएगी तो वहां पर ये चीज आपको याद रखना। और अब आप देख रहे हैं म्यू नॉट कांस्टेंट है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, फेरे एक बार जब आप कम और ज्यादा कर सकते हो, फेरे कम ज्यादा करने से हमारा म्यूचुअल इंडक्शन बदल जाएगा। और फेरे कम ज्यादा आप कब कर सकते हो, जब आप कुंडली को बना रहे हैं, एक बार कॉइल बन के आपके सामने आ गई, फिर बाद में तो करने को तो कुछ भी कर दो आप भाई, आपके हाथ में हथौड़ा है, कैंची है, कुछ भी कर दो, काट दो कॉइल को आप, या हथौड़े से पिच्चा कर दो उसको, बिल्कुल करने को कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एन वन और एन टू नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की संख्या है, आप जब बनाते हैं उस वायम 1000 फेरे लगा दें या 100 फेरे लगा दें, ये आपके मन की बात है। एरिया के बारे में है, किसी कॉइल का एरिया बड़ा कर दें या छोटे एरिया वाली कॉइल बना दें, ये भी आप कब कर सकते हैं, जब आप बना रहे हैं। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन भी दो कॉइल्स के बीच का ज्योमेट्री पर ही डिपेंड करता है, उसके कंस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो एक बार अगर कॉइल्स का एक सेट तैयार कर दिया हमने, उसके बाद उनके बीच जो अन्य प्रेरण होगा उसका मान बदलेगा नहीं। दो कॉइल्स के एक सेट के लिए M का मान हमेशा सेम रहता है। ये चीज अब आपको समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक जी पढ़ रहे हैं बार बार, इसके बारे में बात आ रही कि ऐसा करो M ज्यादा होगा, ऐसा करो M कम होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम M चाहते कैसा है, क्या हमें M ज्यादा चाहिए या हमें M कम चाहिए? क्या आप बता सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए। क्यों कम चाहिए आपको? और ज्यादा चाहिए तो क्यों ज्यादा चाहिए? ये नहीं समझ पाए आपको? अब आप थोड़ा सा पुराना फॉर्मूला याद करिए। आपने ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का हमने एक फॉर्मूला बनाया था, माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। अगर आपको याद नहीं है तो अपनी कॉपी के पेजेस पलटेंगे एक दो और पीछे आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मिलेगा। याद आ गया ये फॉर्मूला? अब ध्यान से देखिए, हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं और इस कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। हम चाहते हैं कि विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न हो कि ज्यादा, आप क्या चाहते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉइल में कम प्रेरित हो कि ज्यादा प्रेरित हो? तो आंसर है, हम चाहते हैं कि विद्युत वाहक बल ज्यादा प्रेरित हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही क्या होता है? सोर्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना ज्यादा होगा ना, करंट उतनी ही ज्यादा हमको मिलेगी, और हमारे पर्पस के लिए हम चाहते हैं कि वैद्युत धारा ज्यादा से ज्यादा आए, होता है कि नहीं होता? तो हम ये चाहते हैं बेटा कि विद्युत वाहक बल भी कैसा प्रेरित हो? ज्यादा से ज्यादा। अब अगर आप चाहते हो कि कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्यादा प्रेरित हो, इसका मतलब आप M कैसा चाहोगे? ज्यादा चाहोगे। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक हम हमेशा कैसा चाहते हैं होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कुछ बात हमारी समझ में आई? एक तो ये फॉर्मूला आपने देखा, दूसरा एरिया कौन से लेना है वो देखा आपने, और अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं,
कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक हम कम चाहते हैं या ज्यादा चाहते हैं। तो हमने उसका फॉर्मूला देखा, हमें पता लगा कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा होगा, और हम ज्यादा से ज्यादा EMF चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्युत वाहक बल चाहते हैं ताकि हमारे सारे काम हो सके। हमें बहुत काम रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, आप कभी छके हो ये बताओ? कभी आपको लगा है किसी दिन अगर 24 घंटे लाइट आ गई कभी गई ही नहीं, तो कभी आपको ये लगा कि यार आज तो 24 घंटे थोड़ी देर तो जाना चाहिए इसका? ऐसा नहीं लगा ना? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है और एनर्जी की जरूरत तो हमको हमेशा रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल हम चाहते हैं कि कॉइल में ज्यादा प्रेरित हो, और उसके लिए दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व तो भी कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? अब ये ज्यादा अगर करना है तो कैसे कर सकते हो? जब आप कुंडलियां बनाएं तो फेरों की संख्या कैसी रखें? ज्यादा रखें। छोटा वाला एरिया जो, क्योंकि अब एरिया आप समझ गए लेना कौन सा है छोटा, तो छोटी कॉइल का एरिया भी कैसा रखें? ज्यादा रखें। क्यों लोगे? तो छोटा एरिया ही ना, लेकिन उसको भी ज्यादा रखो ताकि एम ज्यादा मिले आपको। तो ये एम को ज्यादा रखने का हमारा तरीका है उसके कंस्ट्रक्शन के समय, बनाने के समय। ठीक है, एक चीज और कि क्या एक बार बन गया उसके बाद एम कम ज्यादा नहीं होता? होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दो कुंडलियों पर, इसलिए ये कम ज्यादा हो जाता है। कैसे कम ज्यादा हो जाता है? देखो, अब एम फिर से ई कैसा चाहते हो आप, मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम विद्युत वाहक बल मैक्सिमम के लिए एम कैसा करना पड़ेगा? मैक्सिमम चाहिए, मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व तो आपको ज्यादा चाहिए। अन्योन्य प्रेरकत्व तो ज्यादा कैसे कर सकते हैं हम? आप उसका तरीका सुनिए, देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व तो ज्यादा करने के लिए जरूरी क्या है, गौर से सुनिएगा हमारी बात। पहली क्वाइल फ्लक्स बनाती है और वो फ्लक्स दूसरी क्वाइल में लिंक होता है। अब अगर आप चाहते हो ना कि एम ज्यादा से ज्यादा रहे, तो आपको एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। कौन सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी? आपको ये अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि पहली वाली क्वाइल जितना फ्लक्स बनाती है, कुछ भी करो आप, पर जितना फ्लक्स पहली वाली क्वाइल बनाती है उसमें से फ्लक्स का एक भी बूंद बर्बाद नहीं जाना चाहिए, पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी क्वाइल से लिंक होना ही चाहिए। जब आप ऐसा रख देते हो ना क्वाइल्स को, अगल बगल रख देते हो, तो यह आप पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कुछ फ्लक्स से गुजरेगा लेकिन इसका बनने वाला कुछ फ्लक्स क्वाइल के बाहर से भी निकल जाएगा। देखिए ये ऐसा बाहर से भी चला जाएगा, देख रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्यादा से ज्यादा रहे, तो आपको दोनों कुंडलियों को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा उन्हें, ताकि एक कुंडली जितना फ्लक्स बनाए पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी क्वाइल से लिंक होना चाहिए। फ्लक्स की, मैंने बोला ना, फ्लक्स की एक लाइन, एक बूंद बर्बाद नहीं जानी चाहिए। ये कैसे कर सकते हो आप? अब इसको करने का तरीका ढूंढने लगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि आप एक काम कर दो, फिर एक क्वाइल थोड़ी छोटे साइज में बनाओ, एरिया कम रखो, एक क्वाइल थोड़ी बड़ी बना लो, परिनालिका पाइप जैसे दोनों बन जाएंगे। अब अगर दोनों पाइप जैसे बन जाएंगे, जैसे देखिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये मेरे पास दो परिनालिकाएं हैं, एक परिनालिका का एरिया हमने कैसा कर दिया? कम, और एक परिनालिका और ले रहे हैं उसका हम थोड़ा एरिया ऐसा ज्यादा रखेंगे। देखिए ये देखिए, दोनों में फर्क समझ आ रहा है आपको? इसका एरिया कैसा है और इसका, इसमें हम फ्लक्स परिवर्तन करेंगे और इसको ना इसके अंदर डाल देंगे सीधे। अब क्या होगा? जितना फ्लक्स अंदर वाली में बनेगा कहां से जाएगा बताइए? आएगा कि नहीं आएगा सब पूरा? तो इस क्वाइल से उसको होकर गुजरना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकती वो। तो जो सबसे अच्छा तरीका है कि पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो जाए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं,
एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल को हम लपेटते हैं, उससे अंदर वाली कॉइल में जितना भी फ्लक्स बनता है ना, वो पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक हो ही जाता है। जब आप अगल बगल कॉइल्स को रखते हो तो वहां पर एक से बनने वाला फ्लक्स दूसरे से थोड़ा बहुत इधर उधर से पार ही हो जाएगा, पूरा नहीं जा सकता। ये एम को बढ़ाने का तरीका है, समझ आई बात? इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, कि एम का ओरिएंटेशन मतलब क्वाइल्स का ओरिएंटेशन आप कैसा रखो। देखो बहुत सारी चीजें हो गई हैं तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप सब चीजें एक दूसरे मिक्स मत कर दो, भुला मत दो, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको एक लाइन पे रिवाइज करा दूं। एम को हम कैसा रखना चाहते हैं? ज्यादा। एम को हम ज्यादा रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि एम जितना ज्यादा होगा विद्युत वाहक बल भी कॉइल में उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। एम ज्यादा रखने का तरीका क्या है? तरीका क्या है? तरीका यह है कि एक कुंडली से बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चाहे एक लाइन बने या 1000 लाइन बने, जितना भी बने वो दूसरी कुंडली से उसको क्या होना चाहिए? गुजरना ही चाहिए, एम ज्यादा हो जाएगा। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल को हम लपेट देंगे तो जितना फ्लक्स इसमें बदलेगा उतना फ्लक्स उससे भी क्या होने लगेगा? बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हो इसको हम बोलते हैं युग्मन, जोड़ा बनाना उनका। और एक चीज देखिए, एक तो बनाते समय ये बात है, दूसरा आप एक के अंदर एक कॉइल को डाल सकते हो, आप ऐसा अगल बगल भी रख सकते हो, आप ऐसे यहां रख सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो, दो कुंडलियां है ना यार, कैसे भी रख सकते हो आप, हमारी मर्जी, हम कैसे रख दें, एक को ऐसा रखेंगे एक को ऐसा रख देंगे, एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे, एक के अगल बगल ऐसा रख देंगे, एक के ऊपर नीचे ऐसा रख देंगे, हम इतने तरीके से हम रख सकते हैं, इतने तरीके से हम इनकी युग्मन कर सकते हैं, इनका पेयर बना सकते हैं। इस युग्मन को हम बोलते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं? कपलिंग। कपल मतलब वैसे भी जोड़ा होता है, तो हम इसको बोलते हैं कपलिंग। तो हम कॉइल की कपलिंग कितने तरीके से कर सकते हैं? देखो, एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे कॉइल पहला, अगल बगल रख देंगे सेकेंड कपलिंग, थर्ड कपलिंग, फोर्थ कपलिंग, बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा फ्लक्स आपको कम मिलेगा जब आप एक के ऊपर एक कॉइल को ऐसा चढ़ा दोगे, तब सबसे ज्यादा मिलेगा। इसमें कुछ फ्लक्स बाहर निकल ही जाएगा, इसमें भी पूरा फ्लक्स लिंक नहीं होगा, और इसमें तो एक भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, एक भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं लिंक होगा इसका हम लोग समझते हैं। एक काम करें आप, इसको हम हटा देते हैं, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर ले, इसको हटाते हैं फिर उसको समझते हैं। ठीक है, हम कुंडलियों के बीच युग्मन करना चाहते हैं, कपलिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम कितने तरीके से कपलिंग कर सकते हैं, हमारे पास बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि ये हमने बनाई प्राइमरी कॉइल, इसमें बैटरी और स्विच वगैरह लगाएंगे, और सेकेंडरी कॉइल को हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा इसी के ऊपर ऐसा लपेट देंगे ऐसे, और इसमें गैल्वेनोमीटर या जो भी है वो हम यहां पर लगा लेंगे। अब करंट का चेंज अंदर वाली में करेंगे, फ्लक्स लिंक हो जाएगा। इसका जो युग्मन है वो ऐसा है जिसमें एम आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। हम ऐसे भी कपलिंग कर सकते हैं, देखो ये वाली जिसका फिगर आपको हमेशा बना के दिखाया गया है, ये वाला, और उसके बगल में ये कॉइल रख देना, ये प्लस माइनस और ये स्विच। एक कपलिंग का तरीका ये भी हो सकता है, एक कपलिंग हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये हमने प्राइमरी कॉइल लगा दी और ये हमने सेकेंडरी कॉइल लगा दी, देखिए ऐसे भी हम इनका युग्मन बना सकते हैं, इनका कपल बना सकते हैं, और हम ऐसा भी एक कपल बना सकते हैं इनका।
देखो भैया इस तरीके से और भी वो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जितने तरीके से हम कपलिंग कर सकते हैं इनकी, पर हमारा मकसद क्या है, हम हमेशा ही कपलिंग ऐसी चाहते हैं जिसमें M ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो वो तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्शन कैसा मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा मैक्सिमम अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व तो मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए अब जितना भी ट्रांसफार्मर वगैरह भी बनाए जाते हैं उनमें भी दो क्वाइल्स लगती हैं, तो उनमें भी एक के ऊपर ही दूसरी क्वाइल को चढ़ाया जाता है। पहले अगल बगल रखते थे पर उससे एनर्जी का लॉस बहुत होता था। बनाया तो अगल बगल जब रखोगे आप तो बनाया तो हमने 1000 फ्लक्स, लेकिन दूसरी कुंडली में से गुजर रहा है सिर्फ 700 फ्लक्स, तो 300 फ्लक्स हमारा क्या जा रहा था, बर्बाद हो रहा है। वो बहुत लॉस होता है, उससे हीट के लॉसेज होते हैं और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। हम चाहते हैं जितनी एनर्जी हम क्रिएट करें पूरी की पूरी एनर्जी हमको उसका बेनिफिट मिले, एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। इसमें कम हो जाता है एम थोड़ा सा, बाकी सब में एम आपका कम ही रहेगा। और यहां तो म्यूचुअल इंडक्शन आएगी नहीं, कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा कैसे, ऐसे ये क्वाइल ऐसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी, पर इसके रिंग कैसे हैं इस तरीके से। अब आप सोचिए ऐसे है ये, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया ऐसा, ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया। अब बताइए क्या ये इसको काटेगा, ये तो बीच में से निकल जाएगा। विद्युत वाहक बल प्रेरित कब होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं को ये क्या करे, काटे। अब यहां पर ऐसे कटता है क्या, काटना तो इसको माना जाएगा, साग काटने वाली बात याद करो, ये तो बीच में से निकल जाएगा, इसलिए यहां पर कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। जब कभी कपलिंग ऐसी करोगे अगर आप, तो ऐसी कभी मत करिए फिर आप, ठीक है। एम को सबसे ज्यादा रखने का मेथड ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जानते हैं ये एम, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कभी एम ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो हमारी जो फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स यू ऑल नो दैट फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, भौतिक विज्ञान मापन की विज्ञान है और इसमें हर चीज को हम मेजर करके देखना चाहते हैं। हमारी फिजिक्स में ऐसे काम नहीं चलता कि आज का टेम्परेचर ज्यादा है, कल का टेम्परेचर कम था, परसों का और कम था, इससे काम नहीं चलता। हम कहते हैं कि कम ज्यादा मत बताओ, कितना था ये बताइए मुझे। तो फिजिक्स में हम हर चीज को नाप के देखना चाहते हैं। तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि इस वाले कपलिंग में एम सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, इसमें एम कम मिलेगा, तो फिर से वही क्वेश्चन आता है कि एम ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ये मत बताइए हमको, कितना मिलेगा ये बताइए हमको। तो उसके लिए हमने एक नया नाम बनाया और उसका नाम रखा युग्मन गुणांक। क्या नाम रखा, हम क्वाइल्स का क्या बनाते हैं, जोड़ा, यानी कि उनका युग्म, और वो युग्म से कितना बेनिफिट मिलने वाला है, कितनी कपलिंग अच्छी है या वो कपलिंग कम अच्छी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक नया नाम हमारे सामने आया युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक हम कैसे निकाला करेंगे, तो युग्मन गुणांक हम निकालेंगे ऐसे, पहली क्वाइल जितना फ्लक्स बनाएगी उसको ले लिया हमने, और दूसरी क्वाइल से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो ले लेंगे, और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात में ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, ऊपर रखना, नीचे रखना है जितना फ्लक्स टोटल बनेगा, और ऊपर रखना है जो फ्लक्स दूसरी क्वाइल से लिंक होगा, समझ रहे हैं। तो ये युग्मन गुणांक का एक तरीका है देखो निकालने का, ध्यान से सुनो। इसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं और के से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का हमने फॉर्मूला क्या बनाया,
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बटे इसमें लिखेंगे बनने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। और ये चीज पहले से ही हम जानते हैं कि बनेगा दूसरी कॉइल में और बद्ध होगा जाके दूसरी कॉइल में, ये हमने नहीं लिखा पहली दूसरी ये नहीं कर रहे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें एज एग्जांपल मान लेते हैं, इसमें एक के ऊपर एक कॉइल्स को लपेटा है हमने, मान लिया कि अंदर वाली कॉइल ने जो फ्लक्स बनाया वो बनाया 100। फ्लक्स कितना बनाया दूसरी कॉइल ने 100, वो हम कहां लिखेंगे जितना बनेगा टोटल अपॉन में, ऊपर वो लिखेंगे जितना दूसरी कॉइल से बद्ध रहेगा लिंक होगा। तो इसमें क्या हो, क्या मैंने बताया कितना फ्लक्स इसमें से लिंक होगा और कितना बर्बाद हो जाएगा, तो आंसर है इसमें एक भी फ्लक्स बर्बाद नहीं होगा, इसलिए जितना बना है उतना ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा लिंक हो जाएगा। तो इस वाली कपलिंग के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको, नहीं समझ में आया उसको देखिए, अगर ये वाला है तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर निकालोगे, बनने वाला मान लिया कितना बन रहा है 100, तो क्या जितना बनेगा, अब आप ही मुझे बताओ जितना ये कॉइल फ्लक्स बनाएगी क्या पूरा का पूरा फ्लक्स इससे लिंक होगा या कुछ वेस्ट भी हो जाएगा, कुछ वेस्ट हो जाएगा। मान लिया इसने बनाया कितना 100 और इसमें से पास हुआ केवल 80, 20 फ्लक्स क्या हो गया वेस्ट हो गया, तो ऊपर कितना लिखें 20 की 80, फिर से इसने कितना बनाया 100, इससे कितना लिंक हुआ 80, 20 क्या हो गया अगल बगल से चला गया वेस्ट हो गया, तो ऊपर हम 20 लिखें कि 80 लिखें, 80 लिखना चाहिए ऊपर, वेरी गुड। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। तो ऐसी कपलिंग के लिए हमेशा के कमान कितना होगा 0.8, ऐसा नहीं है ये समझाने के लिए, लेकिन मैं कह सकता हूं दैट के विल बी ऑलवेज लेस देन 1। इस प्रकार की कपलिंग करोगे तो के कमान हमेशा कैसा आएगा 1 से कम ही आ जाएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। इस प्रकार की कपलिंग में 1 से कम आएगा पर 0 से इसका मान कैसा होगा ज्यादा, 0 भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा। इस प्रकार की कपलिंग में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, इसने बनाया 100 तो क्या 80 भी इससे लिंक हो पाएगा जो कि इसमें हो रहा था, उसमें और कम लिंक होगा या और ज्यादा लिंक होने लगेगा, कम लिंक होगा, वेरी गुड, क्योंकि ऐसे रखे हैं इससे बन के जो मुड़ेगा वो ऐसा जाएगा इससे। अब आप सोच सकते हो इससे बना और ऐसा मुड़ के जो पहुंचा वो आया, तो जरूर थोड़ी कि सारा का सारा मुड़ के यहां से जाएगा, कुछ मुड़ के ऊपर जाएगा तो कुछ मुड़ के नीचे भी तो आएगा। तो अब बताओ यहां पर जो हमने मान लिया था कि 80 फ्लक्स लिंक होगा इससे, 100 बनाया 80 लिंक हुआ, 100 बनाया क्या 80 लिंक होगा या उससे भी कम होगा या उससे ज्यादा हो पाएगा, उससे भी कम हो जाएगा इस बार। तो मान लिया कि केवल कितना फ्लक्स लिंक हुआ 40, तो कपलिंग का कोएफिशिएंट कितना आएगा बताओ, अपॉन में तो 100 लिखें, लिंक कितना हुआ 40, वेस्ट कितना हो गया 60, तो ऊपर हम 40 लिखें कि 60, 40 लिखना चाहिए, वेरी गुड, अब आप समझ रहे हो। और इस तरीके से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। तो ये एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए, पर फिर से हमको एक बात समझ में आई कि इस प्रकार की कपलिंग के लिए भी के का मान कैसा होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से काफी कम आएगी इसकी वैल्यू। इस प्रकार की कपलिंग के लिए बताइए, इससे फ्लक्स बना 100, इससे कितना फ्लक्स लिंक हुआ, एक भी फ्लक्स लिंक हुआ ही नहीं, 100 बना पूरा 100 का 100 वेस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ऐसे कॉइल रख दी हमने, फ्लक्स चला ऐसे तो ये इसको तो काट ही नहीं पाया ये, है कि नहीं। अब अगर ऐसे बनता और कॉइल ऐसे होती तो ये काट सकता था, पर फ्लक्स ऐसे चला और कॉइल ऐसे तो बीच में से निकल गया, वो तो काट ही नहीं पाया, तो इससे लिंक फ्लक्स कैसा रहा 0, इसलिए यहां पर के की वैल्यू कैसी हो जाएगी
जीरो। एंड आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा हो उसके लिए एम कैसा रखना पड़ेगा, ज्यादा। एम ज्यादा कैसे रख सकते हैं, कुछ भी करो पर एक क्वाइल जितना फ्लक्स बनाए दूसरे से पूरा का पूरा फ्लक्स जाना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक तरीका है ये करने का कि क्वाइल को एक के ऊपर एक लपेट दीजिए और सबके कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपके सामने है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एम रहेगा, जितना ज्यादा एम होगा उतना ज्यादा ईएमएफ क्रिएट होगा। तो करने को आप किसी भी सेट रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है। इसीलिए जैसे कि मैंने बताया अभी आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट के लेसन पे, वहां आपको बताया जाएगा कि क्वाइल उसमें भी एक के ऊपर एक ही लपेटते हैं, पहले एक क्वाइल फिर इसके ऊपर दूसरी क्वाइल ऐसा लपेट देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे जितना फ्लक्स बने वो फ्लक्स बर्बाद नहीं जाना चाहिए, पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूं, वो भी बड़ी अच्छी चीज, देखो सुन लीजिए हमारी बात, क्योंकि अब ये ना सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन खत्म होने वाला है, और जब खत्म होने वाला होता है तो छोटी छोटी कई सी काफी सारी बातें निकल आती हैं। अब ये समझ लो फड़फड़ा रहा है, खत्म होने वाला है ना, फड़फड़ा रहा है, तो जो इसके अंदर राज है वो सब उगले दे रहा है आपको, बस ये समझ लो। तो कई सारी बातें हैं, छोटी छोटी हैं, मगर समझने की बहुत अच्छी चीजें हैं। एक और चीज समझिए, देखिए कि एक क्वाइल में हम जिस तरीके से चेंज करते हैं उसके पास रखी क्वाइल में अपने आप चेंज होने लगता है। ये तो वही हो गया ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखो परिवर्तन इसमें करते हैं पर विद्युत वाहक बल इसमें पैदा हो जाता है, समझ रहे ना। इनको तो हमने टच तक नहीं किया, देखा भी नहीं, हम तो इसमें जुटे थे परिवर्तन करने में, बगल में देखा इनमें अपने आप विद्युत वाहक बल आ रहा है। और सिर्फ एक क्वाइल में नहीं, मैं आपको बता दूं, एक क्वाइल आपने रखी उसमें करंट में चेंज करिए और उसके चारों तरफ अगर 50 क्वाइल रखी होंगी ना, सब में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। फर्क यह पड़ता है कि कपलिंग के अकॉर्डिंग किसी में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इलेक्ट्रॉनिक में इसका बहुत यूज करते हैं, आप नोट कर चुके हैं इसलिए मैं इसको साफ करके आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, एक क्वाइल बनाई, ये एक क्वाइल बनाई, उस पर हमने बैटरी स्विच सब लगा दिया, अब इस पर मैंने एक नर्म लोहे की रॉड भी लगा दी। अब देखो छोटी बात है लेकिन कितनी अच्छी बढ़िया बात समझाएगी, अभी तक ये नहीं आया रॉड क्यों डाल दी भैया आपने। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब भी आप क्वाइल में चुंबकीय फ्लक्स बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अगर आप उसके अंदर नर्म लोहे की छड़ रख देते हैं तो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कई गुना बढ़ जाएगा। देखो ये भी एक चीज समझ लो, किसी प्रेरण कुंडली के भीतर नर्म लोहे की छड़ रख देने से उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कई गुना तक बढ़ जाता है, कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर नहीं रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा। अगर ये नर्म लोहे की रॉड उसके भीतर आप इंसर्ट करा दोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ जाता है। तो हमने मैग्नेटिक रॉड लगा दी इसके अंदर क्योंकि हम चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बन जाए। आप चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बन जाए ये क्यों चाहते हो भाई, बहुत सारी बातें हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा फ्लक्स ज्यादा बनेगा, फ्लक्स ज्यादा बनेगा तो कुंडली से गुजरने फ्लक्स में परिवर्तन भी ज्यादा तेजी से ज्यादा होगा, तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा पैदा होगा, और भी हमारे बहुत सारे पर्पस हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबक से बाई चांस हम चुंबक बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चुंबक, वैद्युत चुंबक, और उससे हमारी एक गर्डर है लोहे की और हम उससे उठाना चाहते हैं उसका, हम चाहते हैं कि हमारी क्रेन का बूम ऐसे जाए और ये 10 टन की प्लेट है लोहे की, 10 टन की प्लेट इंसानों से उठवाई जाएगी, बहुत आदमी लगेंगे, फिर भी खतरा रहेगा गिर जाए तो चोट लग सकती है। हम चाहते हैं कि क्रेन का एक बूम लगाएंगे, ये 10 टन की प्लेट के पास ऐसा जाएगा, हम जैसे स्विच ऑन करेंगे बिजली प्रवाहित होगी, करंट
करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और ये इसको चिपका लेगी बड़ी जोर से 10 टन की प्लेट को। फिर क्रेन उठाएंगे इसको, उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे और वहां रखेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, चुंबक तो खत्म हो जाएगा, छोड़ देगी, क्रेन उठा के दूसरी प्लेट उठाने आ जाएंगे। अब इसके लिए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चाहिए ना आपको, बहुत हैवी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और वो हैवी मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बना सकते हो? उसके लिए एक तो करंट ज्यादा चाहिए, दूसरा आप कॉइल के भीतर नॉर्मल लोहे की कॉइल रॉड डालेंगे उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो साइंस में ना हम हर चीज का बड़ा अच्छा यूज कर लेते हैं। देखो तो एक ये कर लिया, अब हमने क्या किया देखो, एक कॉइल लाए और उसके ऊपर हमने ऐसा लपेट दिया। अब यहां हम कुछ नहीं लगाएंगे, आप जहां भी इसको लगा दोगे जाके, आप अपने बाय सर्किट में लगा दो, कहीं पर भी लगा दोगे, जो परिवर्तन यहां हो रहा होगा सेम वही चेंज यहां मिल जाएगा आपको। आपको याद है क्लास 11 में पास्कल का एक रूल पढ़ा गया था, जिसमें एक फुटबॉल अगर लेते हैं आप, उसके अंदर पानी भर दीजिए और उसमें अलग अलग जगहों पर कई होल बना दें और सभी में आप पिस्टन वगैरह लगा दीजिए, एक तरफ से दबाओगे तो जितना प्रेशर एक जगह पर डालोगे उतना प्रेशर हर जगह पर सेम प्रेशर मिलता है आपको, पास्कल्स लॉ। सेम यहां पर भी देखो, जो चेंज यहां करोगे ना बेटा, सेम टू सेम वही चेंजेस यहां मिलेंगे आपको। चेंज कर हम यहां रहे हैं पर मिल हमको यहां रहे, हम चाहते हैं कि ये चेंज और किसी जगह पर ले जाना चाहते हैं, दूसरी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वाल यहां लपेटो, ले जाओ जहां ले जाना चाहते हो। अब क्या होगा, जब आप इसमें तेजी से चेंज करोगे, इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी होगा, क्यों, वो भी तो बगल ही में लगी हुई है। तो जो ईएमएफ का चेंज इस पे आएगा, वही ईएमएफ इन दो टर्मिनल्स के बीच आपको मिल जाएगा। कितनी अच्छी चीज है, देखो परिवर्तन एक कॉइल में करेंगे और उसके आजू बाजू चार पांच कॉइल लगा दें, सब में सेम चेंज मिलता रहेगा। आप और चाहते हो कहीं ले जाना, एक कॉइल इसमें लपेट दो आप, यहां पर इन दो टर्मिनल्स में देखो परिवर्तन चेंज ईएमएफ का चेंज हम यहां पर करेंगे और सेम ईएमएफ का चेंज आपको यहां पर मिलेगा। ईएमएफ का जो सेम चेंज होगा वो आपको यहां पर मिलेगा। तो एक कॉइल में अगर आप परिवर्तन करते हैं विद्युत वाहक बल का, सेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप उसके अगल बगल चार पांच कॉइल लगा दो, सब में वही मिलेगा। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत करते हैं, पहले इससे ऑसिलेटर बनाया जाता है, ऑसिलेटर का नाम सुना होगा आपने, साइक्लोट्रॉन में हमने यूज किया था ऑसिलेटर को, और आपके सिलेबस में भी था जब इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी ऑसिलेटर हटा दिया गया है आपके सिलेबस से तो अब नहीं है। अदरवाइज ये एक फिनोमिना है जिसका यूज हम देखो कैसे करते हैं, हम एक कॉइल के विद्युत वाहक बल में केवल बदलाव करेंगे, सेम चेंज मुझे उसके अगल बगल अगर पांच कॉइल रखी है सब में मिलेगा। और ये आप ऐसा भी एग्जांपल समझ सकते हो कि आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें जितने भी यूएसबी पोर्ट बने हैं, आप सब में एक एक यूएसबी आपने लगा दिया उस पर, तो जो आप काम उस पर करोगे वो सब पे आपको मिलेगा परिवर्तन। वही चीज यहां पर भी हो रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और यहां सब जगह यूज क्या हो रहा है, अन्योन्य प्रेरण, एक में परिवर्तन करो दूसरे से वो चेंज लिंक होता है जाकर के, कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये आपको हमने बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इस तरीके से अन्योन्य प्रेरण भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन में ना एक चीज बची हुई है और वो ये है, देखिए ध्यान से सुनिए, फ्लक्स परिवर्तन करवाना था ना आपको, फ्लक्स परिवर्तन पहले आपने कैसे करवाया, मैग्नेट और कॉइल को चला करके बी बदलकर, दोबारा आपने क्या बदला, एरिया बदल करके, एरिया को ऐसे से किया आपने, स्लाइडर चलाया। अभी एक चीज बाकी रह गई है, एंगल बदलना। फिर से वहीं पर वापस आइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, आपको हमने बताया था फ्लक्स का चेंज हम तीन तरह से कर सकते हैं, बी बदलकर, ए बदलकर, थीटा बदलकर। आपने अभी केवल दो ही प्रकार के चेंज पढ़े हैं, थीटा बदलने वाला चेंज आपने नहीं पढ़ा,
ये थीटा बदलने वाला चेंज अब हम पढ़ेंगे। बस ये एक चीज बची है, ये खत्म हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट का लेसन आ जाएगा। एक छोटी सी चीज और सीखे जाइए, बहुत छोटी छोटी चीजें हो गई। देखो इधर गौर से सुनिएगा, ये दो क्वाइल लगी हुई है, इनके बीच एम हमने क्या मान लिया, अन्योन्य प्रेरकत्व। और बेटा हर क्वाइल का अपना एक स्वप्रेरकत्व भी तो होता है। इस क्वाइल का स्वप्रेरकत्व मान लिया L1 है, इस क्वाइल का स्वप्रेरकत्व L2 है, और दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना है, M है। सारे के सारे क्या है, प्रेरकत्व। किसी का नाम स्वप्रेरकत्व है, किसी का नाम अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो क्या इनमें आपस का कोई रिलेशन है? आंसर, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इनमें आपस में रिलेशन ये है कि दो कुंडलियों के बीच अगर आप अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना चाहते हो तो युग्मन गुणांक ले लीजिए इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तथा कुंडलियों के स्वप्रेरकत्वों में आपस में ये रिलेशन होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको डिराइव तो नहीं करेंगे हम क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जरूर देख लीजिए आप, इसका यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी हम। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको भैया, एम क्या चीज है बताओ जल्दी से, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। के क्या चीज है, दो कुंडलियों के बीच युग्मन गुणांक। के मान बताए हमने अलग अलग जगहों पर, L1 पहली कुंडली का स्वप्रेरकत्व, L2 दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये इनमें आपस का रिलेशन है। और इस तरीके से इससे रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से थीटा अगर बदलेगा तो भी फाई बदलेगा, फाई बदलेगा तो फिर विद्युतवाहक बल पैदा होगा, कैसे हो सकता है, ये अगली क्लास पे करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।